हर भोले की कुछ ना कुछ इच्छा होती है, जिस वजह से वो यहाँ पे जल लेके आता है, हरिद्वार में इतना कष्ट झेलता है बेचारा। तो हमारे साथ में एक भोले है, ये अपनी कुछ इच्छाएं बताना चाहते हैं, इनकी आप बीती कुछ है जो वे बताना चाहते हैं। सबसे पहले हम इनका नाम जाएंगे। भोले क्या नाम है? भोले मेरा नाम राहुल अग्रवाल है। कहाँ से आए हो? भोले मैं दिल्ली से आया हूँ। तो क्या बताना चाहते हो? भोले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं अच्छी वाली दुकान पर बैठता था अपनी, मेरे छोटे भाई ने मुझे दुकान पे बिठाया था। अच्छा। पहले जो है मैं काय की दुकान थी बोले? हमारी ऑटो डेकोरेशन की दुकान थी बोले, उस पर मेरे छोटे भाई ने मुझे बुलाया बिठाया था कि बोले आप यहाँ बैठो। अच्छा। पहले जो है मैं ड्रिंक करता था, तो मैंने ड्रिंक छोड़ रखी थी। तो मैंने बोले अपने चाचा जो है, हम चाचा के पास ही रहते हैं, हमसे कहा मैंने कि चाचा मैं इस बार कांवड़ लेने जाता हूँ, मन कर रहा मेरा। तो मेरे चाचा ने कहा बोले एक काम करो, अगले साल चला जाए जब आपकी शादी हो जाए, भोले से ये दुआ करना कि आपकी शादी हो जाए, आपका आपका। हाँ, चाचा ने कहा इसे 200 रुपये दे दे। मैंने कहा चाचा मैं घर नहीं आऊँगा अब। मैंने या तो ये मैंने गुस्से में कहा या नशे में कहा, मुझे नहीं पता था। हाँ। अब वो 200 रुपये लेके मैं दुकान से अपने घर की तरफ गया, वहाँ अपने ताऊ के लड़के के पास गया, उससे कहा भाई मुझे लोवर दे दे। उन्होंने मुझे लोवर दिया। लोवर देने के बाद मैं 3-4 घंटे पार्क में सोया। अचानक से दिमाग में पता नहीं क्या आया, मैं वहाँ से सीधा रेलवे स्टेशन गया, वहाँ मैंने टिकट खरीदी और सीधा मैं हरिद्वार आ गया। मेरे पास 1 रुपया नहीं, कुछ भी नहीं। कैसे ना कैसे करके भोले ने मुझे जल दे के मैंने जल नीलकंठ पे चढ़ाया, और वहाँ से मैं पैदल ही आ रहा हूँ। मेरे पे कोई साधन नहीं है, कोई मनी नहीं है, कुछ नहीं है। ये मेरी दुआ है भोले से कि मुझे घर पहुँचा दे। मैं अपने चाचा से, अपने भाइयों से, अपने सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे घर बुलिया ले जाए। मुझसे जो गलती हो गई उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ भोले। भोले कहाँ से आए हो तुम? भोले मैं गाजियाबाद से, अंदर हमारा नन्नगरी पड़ता है। अच्छा। वहाँ का रहने वाला हूँ मैं, हम वहीं रहते हैं हम। तो मैं अपने घर वालों से यही कहूँगा, आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप रिक्वेस्ट करें कि अपने भतीजे को घर बुला ले जाए। गलती हो जाती है, आप मना करके भी देख लो, भोले ने उसे बुला ही लिया कैसे न करके। तो वे आपसे उदास है कि आपके घर वाले? हाँ, हमसे उदास हैं। तुम अब तो भोले की कावड़ लेके जा रहे हो, भोले मना लेगा? अब बस मैं ही चाहता हूँ भोले घर वालों को मना ले और मुझे घर बुला लिया जाए। और आप लोगों को भी रिक्वेस्ट है कि आप ये बात कही जाए कि अपने भतीजे को घर बुला लिया जाए। भोले आपकी नाक पे जो है चोट लग रही है, खून निकल रहा है, इसका क्या वजह है? ऐसा है, मैं दुकान पे बैठा बैठा भी काम करता हूँ ऑटो का। अच्छा। तो हमारा जो गाड़ी का इंजन होता है उसके पास हम डेकोरेशन करते हैं, तो हमारी चोटें लग जाती हैं काम करने में, ये उसी वजह से होता है भोले। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि चाचा, मेरे पापा, मैं आपसे यही दुआ करता हूँ कि मुझे घर बुला लिया जाए। आप जैसा कहोगे वैसा कर लेंगे, बाकी भोले की इच्छा है, उन्होंने बुला है, जैसे भी ये घर भी पहुँचाएंगे, मुझे घर बुला लिया जाए भोले। बस मैं जल कहाँ चढ़ाऊँगा अगर नहीं होंगे तो? आपको तो पता है मेरी माँ है नहीं, फिर भी आपने मुझे पाला चाचा, फिर भी मेरी दुआ मान लो। मैं यही कहना चाहूँगा आपसे। अच्छा, आपके घर में आपकी मदर नहीं है? मदर नहीं है जी मेरी, स्वर्गवास हो गया। हाँ जी, मैं 10 साल का था जब मेरी माँ एक्सपायर हो गई थी। कितने भाई बहन हो? 3 भाई बहन हैं, जिसमें से मेरे बड़े भाई की और बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। अच्छा। और मैं ही रह गया था। तुम रह गया अकेले? कितने एज होगी बोले आपकी? मेरी 31 है बोले। अच्छा, तो शादी नहीं हुई? नहीं थी। तो भोले इच्छा है शादी, अब क्या बोला? भोले ये चाहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में भोले से यही दुआ मांगता हूँ, भोले आगे मुझे ज़िंदगी दिखाए, मेरी बुद्धि सही कर दी जाए, अपनी ज़िंदगी संवारी जाए मुझे, यही चाहता हूँ भोले मैं, और कुछ नहीं चाहता। मैं अपने घर वालों से कहता हूँ मुझे आप कुछ भी मत दो, मेरी शादी करवा दो, बाकी मैं अब भोले पे छोड़ता हूँ, मेहनत करूँगा, कमाऊँगा, अपने घर वालों को पालूँगा, अपने बच्चों को पालूँगा, यही दुआ है मेरी बस। तो देखो भाई, भोला बिल्कुल बेचारा अपने दिल की बात बता रहा है। तो इसके माँ बाप अगर जो इस वीडियो को देखे, मतलब इसके चचा इसकी वीडियो को अगर देख रहे हो, तो इसके बारे में सोचे हुए इसकी शादी करवाए, उसकी लाइफ को सेटल करे, जैसे कैसे इसकी पहले जो बीत चुका है इसके साथ जो गलत हो चुका वो इसने त्याग दिया है। भोले त्याग दिया नहीं, वो मैंने त्याग दिया है, और मेरे साथ देने वाले मेरे चाचा और मेरा छोटा भाई मोंटी है, जिसने मेरा साथ दिया है बहुत। हाँ, तो अब जो मोंटी भाई है और इनके जो चाचा है यार, थोड़ा
भाई के बारे में सोचो और इनका घर बसाओ और आगे के लिए इनके बारे में सोचो कि ये अपनी लाइफ कुछ सही से गुजार सके। बोला सुधर चुका है, जो गलती कर दी हो इनने माफ़ कर दी हो इसकी है। बोले जी, बोले गलती मेरी पूरी पूरी मुकदरा से माफ़ है। मैं अपने घर चाहता हूँ और अपनी मेहनत करके कमाना चाहता हूँ, घर में रहना चाहता हूँ मैं बस। तो भाई देखो, आप लोग भी इस वीडियो को सब्सक्राइब मतलब शेयर करो, बोले जो चाहता है वो करवाओ उसकी बेचारे की। बोला सुधर गया है, कावड़ में आ गया। तो यार वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि भोले की बहुत दुखद भरी कहानी थी और इसके चाचा तक और चाचा के लड़के तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाइएगा। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।